आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। ये न्यूज चैनल नहीं, आपकी आवाज है। आवाज ऐसी जिसे ना कोई दबा सकता है ना झुका सकता है। हम करते हैं सबको खबरदार। चाचा की चाल पर चाल से भतीजा परेशान। जानिए महाराष्ट्र में अजीत पवार को हराने के लिए कैसे दांव खेल रहे शरद पवार। शरद पवार को राजनीति का चाणक्य यूं ही नहीं कहा जाता, अपने ही बागी भतीजे अजीत पवार को सबक सिखाने के लिए इन दोनों बड़े पवार पूरी तरह से सक्रिय हो गए हैं। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, शरद की एक एक चाल अजीत के लिए परेशानी का सबब बनती जा रही है। पिछले 25 साल से बारामती में राजनीति कर रहे अजीत के लिए इतनी मुश्किल कभी नहीं रही जितनी इस बार है। पवार परिवार के पावर से पैक अजीत पहली बार निपट अकेले हैं। चाचा शरद से बगावत के अजीत के फैसले को पवार परिवार पचा नहीं पाया था। अजीत ने बहन सुप्रिया सुले के खिलाफ बारामती में जब से पत्नी सुनीत्रा पवार को उम्मीदवार बनाने की कोशिश शुरू की है, तभी से शरद ने अजीत को होम पिच पर घर और बाहर दोनों तरफ से घेरना शुरू कर दिया है। परिवार में अजीत के पक्ष में ना चाचा साथ है, ना भाई भाभी, ना बुआ और ना भतीजे। उनके दोनों बेटे और पत्नी सुनीत्रा के अलावा कुछ समर्थक ही उनके साथ हैं। बारामती के तीन हैवीवेट नेता कांग्रेस विधायक संग्राम थोपटे और उनका परिवार, बीजेपी के हर्षवर्धन पाटिल और उनका परिवार तथा शिवसेना के विजय शिवतरे और उनके समर्थक अजीत को मात देने के लिए ताल ठोक कर मैदान में उतर चुके हैं। 40 साल पुराने दुश्मन से मिलाया हाथ। राजनीतिक जानकारों को लगता है कि तीन हैवीवेट नेताओं को अजीत के खिलाफ सक्रिय करने पर पीछे शरद का हाथ है। जानकारों को ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि अजीत को मात देने के लिए पिछले दिनों शरद अपना 40 साल पुराना राजनीतिक वैर भुलाकर थोपटे परिवार से मिलने पहुंच गए थे। इतना ही नहीं, बारामती में बड़ी संख्या में धनगर वोटों की है और उनको अपनी तरफ करने के लिए शरद धनगरों के बड़े नेता राष्ट्रीय समाज पार्टी के प्रमुख महादेव जानकर से भी मिल चुके हैं। जानकर इस समय बीजेपी के साथ है लेकिन बीजेपी उन्हें कोई लोकसभा सीट नहीं दे रही, इसलिए नाराज है। वहीं शरद उन्हें सीट भी ऑफर कर रही है। जानकर 2014 में बारामती से लोकसभा सीट से चुनाव लड़ चुके हैं और सुप्रिया सुले के बाद दूसरे नंबर पर थे। अजीत पवार को नहीं मिला प्रत्याशी। बारामती के बाद पुणे जिला अजीत का गढ़ माना जाता है। पश्चिम महाराष्ट्र में पुणे जिले की शिरूर लोकसभा सीट से वर्तमान सांसद है अमोल कोल्हे। ये मराठी के अभिनेता है। संसद में उनका प्रदर्शन बेहतर रहा है, उन्हें संसद रत्न पुरस्कार दिया गया है। वे शरद के साथ हैं। अजीत अमोल कोल्हे को हराने की सार्वजनिक घोषणा कर चुके हैं, लेकिन गौर करने वाली बात तो यह है कि अजीत को शिरूर लोकसभा सीट के लिए एनसीपी में कोई ढंग का तगड़ा उम्मीदवार ही नहीं मिला, लिहाजा उन्हें मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना के नेता शिवाजी राव अधाल राव पाटिल को एनसीपी के टिकट पर चुनाव लड़ाने के लिए हाथ पैर मारने पड़ रहे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने सपनों का घर बना रहे हैं, एपी कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशंस आपके लिए तैयार है। मजबूत सिविल इंजीनियरिंग से लेकर आकर्षक वास्तुकला और विशेषज्ञ वास्तु परामर्श तक हम आपके सपने को साकार करते हैं। वास्तुकला, वास्तु और हुनर इतने बढ़िया, दिए गए नंबर पर कॉल करें और अपने घर के डिजाइन को चमकाएं। प्लीज विजिट द माउंटेन कैफे एंड बेकरी फॉर फास्ट फूड नियर बाय सुहागी बाईपास।